इसकी बात करते हैं। मैम आपकी वॉइस सॉरी। अब आ रही है आवाज, अब आ रही है। हाँ हाँ बारी मैम है। आ रही है। ठीक है बेटा, यस मैम। तो अपन मेज की बात कर रहे हैं। मेज का मक्का का, मक्का का बॉटनी का नेम क्या है? जिया मेज है वानस्पतिक नाम। और फैमिली, कौन सी फैमिली में मक्का आता है? पोएसी में। और उपकुल है, सब फैमिली है जिसमें मक्का आता है, वो है मैम मेड, पहले परसेंट ले लो। वो है मेडी। क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? मैम परसेंट ले लो पहले। ओके प्रेजेंट ले ली बेटा, लगा दी मैंने, स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, मैम। अब मक्का को नवीन विश्व का पुराने विश्व को उपहार माना जाता है। मतलब विश्व के कुछ देशों जैसे भारत तथा अर्जेंटीना में मक्के को फूड क्रॉप, खाद्यान्न फसल के रूप में उगाया जाता है, जबकि अन्य देशों जैसे अमेरिका में मक्के को पशु आहार, कैटल फीड क्रॉप के रूप में उगाया जाता है। अब बात करते हैं ओरिजिन एंड हिस्ट्री, उत्पत्ति तथा इतिहास, मक्के की उत्पत्ति तथा इतिहास के बारे में। तो पुरातत्व प्रमाणों के आधार पर मक्का की उत्पत्ति अमेरिकी महाद्वीप में हुई है। मतलब द ओरिजिन ऑफ मेज अकर्ड इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट। और विशेषज्ञों के अनुसार मक्का की उत्पत्ति मध्य अमेरिका, मेक्सिको तथा दक्षिण पश्चिम अमेरिका, एंडियन निम्न भूमि, एंडियन लो लैंड में हुई है। तो मक्का प्राचीन धान्य फसल है तथा उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर अनुमानित 5,000 वर्ष पूर्व मक्के की उत्पत्ति हुई है। मैक्सिको की तेहुआकान घाटी में की गई पुरातात्विक खोजों में 5,000 से 6,000 वर्ष पुराने जंगली पॉड कॉर्न के भुट्टे प्राप्त हुए हैं, जो ये बताते हैं कि मक्का की उत्पत्ति, मेज की उत्पत्ति इसी क्षेत्र से हुई है। तो मक्के की उत्पत्ति किस क्षेत्र से हुई? एक मैक्सिको में घाटी है, वैली है, उस घाटी का नाम क्या है? तेहुआकान घाटी। तो मक्के की उत्पत्ति इसी घाटी में, तेहुआकान घाटी में हुई थी, जो कि मैक्सिको में है। और मक्के का वानस्पतिक जनक, मक्के का वास्तविक जनक एंसेस्टर ज्ञात नहीं है, क्योंकि ये किसी भी जंगली पादप से समानता नहीं दर्शाता है। इसलिए मक्का के पूर्वज पादप का निर्धारण कठिन कार्य है। मक्के की उत्पत्ति एक अज्ञात जनक, अननोन एंसेस्टर तथा ट्रिप से कम नामक घास के मध्य संकरण तथा प्राकृतिक चयन वे म्यूटेशन से हुई है। तो मक्के की उत्पत्ति कैसे हुई? हाउ द ओरिजिन ऑफ मेज टुक प्लेस। तो ओरिजिन ऑफ मेज टुक प्लेस फ्रॉम एन अननोन एंसेस्टर। एंड मतलब मक्के की उत्पत्ति कैसे हुई कि एक अज्ञात जनक तथा ट्रिप्सेकम के बीच संकरण कराया गया, हाइब्रिडाइजेशन कराया गया, तो मेज की उत्पत्ति हुई। तो कोलंबस द्वारा मक्के को अमेरिका के यूरोप में लाया गया तथा इसका प्रसार स्पेन, फ्रांस, इटली, हंगरी, यूगोस्लाविया तथा ग्रीस आदि क्षेत्रों में हुआ। तो पुर्तगाली अन्वेषकों द्वारा मक्का भारत, चीन, मलेशिया तथा इंडोनेशिया देशों में प्रसार हुआ। मतलब मक्के का प्रसार किसने किया? मक्के का प्रसार डच एक्सप्लोरर्स ने किया। पुर्तगाली अन्वेषकों ने मक्के का प्रसार किया, कहाँ कहाँ किया? भारत में, चाइना में, मलेशिया व इंडोनेशिया में। भारत में मक्के का आगमन 16वीं शताब्दी में हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मेज ग्रोइंग रीजन्स, मक्का उत्पादक क्षेत्र। तो मक्का पूरे विश्व में व्यापक रूप से उगाई जाने वाली फसलों में से एक है। अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक देश है।
मतलब द लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग द लार्जेस्ट मेड द लार्जेस्ट मेज प्रोड्यूसिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज अमेरिका। अमेरिका पूरी विश्व के कुल उत्पादन का 45% उत्पादन करता है। तो अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा मक्का उत्पादन देश है, जो पूरे विश्व के कुल उत्पादन का 45% उत्पादन करता है। अमेरिका में मक्के को पशु आहार फसल के रूप में उगाया जाता है और अन्य मुख्य मक्का उत्पादक देश है चीन, दक्षिणी अफ्रीका, अर्जेंटीना, फ्रांस, यूगोस्लाविया, मेक्सिको, रोमानिया, हंगरी, भारत तथा इटली। मतलब अमेरिका में तो मक्के की फसल का उत्पादन किया ही जाता है, लेकिन और भी जो देश है जिनमें मक्का का उत्पादन किया जाता है उनमें नाम है चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, यूगोस्लाविया, फ्रांस, रोमानिया, हंगरी एंड इटली। तो भारत में मक्के का उत्पादन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में होता है। मतलब द प्रोडक्शन ऑफ मेज इन इंडिया अकर्स इन उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड उड़ीसा। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 20% उत्पादन करता है। भारत में मक्का की खेती फूड क्रॉप खाद्यान्न फसल के रूप में की जाती है। अब अपन देखते हैं बॉटनिकल कैरेक्टर्स ऑफ द मेज प्लांट, मतलब मक्के के वानस्पतिक लक्षण क्या है। तो मक्का तेजी से वृद्धि करने वाला वार्षिक शाक है। मतलब मक्का क्या है, इट इज एन एनुअल हर्बेशियस प्लांट। इट ग्रोज रैपिडली एंड द लेंथ ऑफ द मेज प्लांट रेंजेस फ्रॉम 5 foot to 10 foot। मक्का तेजी से वृद्धि करने वाला वार्षिक शाक है, एनुअल हर्ब है, जिसकी लंबाई 5 से 10 फुट होती है। पादप मक्के का पादप कभी कभी 15 फुट तक लंबा होता है। मैंने बताया जो मक्के के प्लांट की जो लंबाई है वो 5 से 10 फुट होती है, लेकिन कुछ प्रजातियां मक्के की 15 फुट तक लंबी भी होती है। और मक्के का तना एकल होता है क्योंकि तल शाखन मक्के में टिलरिंग तल शाखन बहुत कम होता है और तना मक्के का तना उधर होता है। द स्टेम ऑफ द मेज प्लांट इज इरेक्ट एंड द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। जो मक्के के तने में मक्के का तना है वो किस में डिवाइड होता है, इंटर नोड्स व नोड्स में, पर्व तथा पर्व संधियों में विभेदित रहता है। तो अन्य खाद्यान्नों सीरियल्स के विपरीत पर्व ठोस होते हैं। मतलब जो पर्व है, the internodes are solid in the maize plant, मतलब पर्व ठोस होते हैं और तने की आधारी पर्व संधियों से अनेक अनेक stilt roots अवस्तंभ मूल या prop roots विकसित होती हैं। मतलब from the basal nodes arise many or numerous prop roots or stilt roots। मक्के के तने की आधारी पर्व संधियों से अनेक अवस्तंभ मूल विकसित होते हैं, जो रेशे में अपस्थानिक मूल तंत्र के साथ पादप को मजबूत सहारा प्रदान करती हैं। तो अवस्तंभ मूल छोटी अवस्तंभ मूल मतलब स्टिल्ट रूट मोटी तथा आंशिक रूप से प्रकाश संश्लेषी होती है। मतलब जो मक्के में प्रॉप रूट्स मिलती हैं, स्टिल्ट रूट्स मिलती है, तो जिनको हिंदी में कहते हैं अवस्तंभ मूल, वो फोटोसिंथेटिक होती हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषी होती हैं।
and these roots are thick and photosynthetic in nature. तथा प्रॉप रूट्स मृदा में प्रवेश करने पर शाखित हो जाती हैं, जैसे ही ये अवस्थंभ मूल या स्टिल्ट रूट्स जो कि मक्के में पाई जाती हैं, वो मृदा में सॉइल में प्रवेश करती हैं, वो शाखित हो जाती हैं और पर्व आधारी भाग में छोटे होते हैं तथा मोटे होते हैं, जो ऊपरी भाग की ओर लंबे व पतले होते जाते हैं। अब बात करते हैं मक्के के पादप की पत्तियां लंबी व चौड़ी होती हैं, चपटी होती हैं तथा द्विपंक्तिक होती हैं। मतलब the leaves of the maize plant are flattened and dicotyledons, द्विपंक्तिक होती हैं। प्रत्येक पत्ती, मक्के की प्रत्येक पत्ती पर्ण आच्छाद व पर्ण फलक में विभेदित होती है। मतलब the leaf of the maize plant is divided into leaf base and leaf lamina. मतलब जब मक्के की पत्ती का अपन डायग्राम देखते हैं तो प्रत्येक पत्ती पर्ण आच्छाद व पर्ण फलक में विभेदित होती है तथा इसके संधि स्थल पर लिग्यूल उपस्थित होता है, लिग्यूल पाया जाता है और मक्के का पादप द्विलिंगाशयी होता है, मोनोएशियस होता है, जिसमें नर पुष्प तथा मादा पुष्प एक ही पादप की पृथक पृथक शाखाओं पर विकसित होते हैं। तो अपन ने देखा द मेज प्लांट इज मोनोएशियस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोनोएशियस? मींस द मेल फ्लावर्स एंड द फीमेल प्लांट्स डेवलप ऑन द सेपरेट ब्रांचेस ऑफ द सेम प्लांट। मतलब मक्के का पादप द्विलिंगाशयी होता है। अब द्विलिंगाशयी किसको कहते हैं? जिसमें कि नर पुष्प व मादा पुष्प एक ही पादप पर लगते हैं, लेकिन एक ही पादप की अलग अलग पृथक पृथक शाखाओं पर विकसित होते हैं। तो नर पुष्प टेसल में, नर पुष्प क्या कहलाता है? टेसल, TASEL, नर पुष्प टेसल में पादप के अक्ष की शीर्ष पर उत्पन्न होते हैं, जबकि मादा पुष्प पत्ती की कक्ष में स्थित कॉब और ईयर में उत्पन्न होते हैं। भुट्टा एक छोटी शाखा होता है। मतलब जो मादा पुष्प है, फीमेल फ्लावर है, वो पत्ती की कक्ष में स्थित भुट्टा कॉब और ईयर में उत्पन्न होते हैं और भुट्टा कॉब और ईयर एक छोटी शाखा होती है जिसे शंक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? शंक कहते हैं, जो सूक्ष्मात्मक पर्णों के द्वारा घिरी रहती है और यह पर्ण स्पेथ SPATH या भूसी कहलाती है, हस्क कहलाती है। तो नर पुष्क्रम शाखित पेनिकल के रूप में होता है। बेटा जो मक्के में पुष्क्रम मिलता है, इन्फ्लोरेसेंस मिलता है, तो उसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस इज इन द फॉर्म ऑफ पेनिकल। मेल इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहेंगे? पेनिकल। और मतलब नर पुष्क्रम पेनिकल के रूप में पाया जाता है, जिस पर पुष्पों में स्पाइकिकाएं लगी होती है। प्रत्येक स्पाइकिका पर एक एक युग्म तुष में प्रत्येक स्पाइकिका स्पाइकलेट पर एक युग्म तुष ग्लूम में दो पुष्प लगे होते हैं और प्रत्येक पुष्प में लैमा पैलिया तथा तीन पुंकेसर होते हैं। मतलब ईच फ्लावर हैज लेमा पैलिया एंड थ्री स्टेमेंस। मतलब क्या बता रही हूँ मैं कि प्रत्येक स्पाइकलेट पर एक युग्म तुष, एक युग्म तुष मतलब ग्लूम में दो पुष्प लगे होते हैं और प्रत्येक फ्लावर में लेमा पैलिया तथा तीन पुंकेसर होते हैं और मादा पुष्क्रम भुट्टा की अक्ष पर शेन पर 8, 16 या 24 उधर पंक्तियों में स्पाइकिकाएं लगी रहती हैं तथा प्रत्येक स्पाइकिका में दो पुष्प होते हैं जिनमें से एक बंध होता है। प्रत्येक फलद मादा पुष्प में लैमा पेलिया तथा एक अंडक स्थित होता है।
वर्तिका लंबी होती है तथा स्पेद से बाहर निकली रहती है, जिन्हें सामूहिक रूप से सिल्क कहते हैं। और मक्का में वायु परागण होता है, मक्का में वायु परागण होता है। अच्छा, गैलेक्सी A6 प्लस, आपका नाम क्या है बेटा? गैलेक्सी, आपने गैलेक्सी दिखा रखा है, आपका नाम क्या है? मायापति। क्या बेटा? मायापति। माया खटी। माया खटी, भाई आपका नाम लिख देना, ठीक है? माया आज ही आया ना, माया है, नेहा है, और ठीक है माया खटी, ठीक है बेटा, है ना। मक्का के दाने कॉर्न कर्नल एक बीजे एस्फुटित कैरियोप्सिस फल होते हैं, मतलब जो मक्के के दाने होते हैं वो सिंगल सीडेड होते हैं। मक्के के दाने में एक ही बीज पाया जाता है। मक्के के दाने एक बीजे एस्फुटित कैरियोप्सिस फल होते हैं। और मक्के में फल को क्या कहते हैं? द फ्रूट ऑफ द मेज प्लांट इज कॉल्ड एज कैरियोप्सिस, एंड द ग्रेन्स और द कर्नल ऑफ द मेज आर ओनली वन सीडेड। इसमें स्टार्च युक्त भ्रूणपोष तथा एक भ्रूण होता है। तो मक्के के दाने में क्या मिलता है अपन को? एंडोस्पर्म मिलता है। इस एंडोस्पर्म में स्टार्च पाया जाता है तथा एक भ्रूण होता है, एम्ब्रियो होता है। तो इसमें स्टार्च युक्त भ्रूणपोष तथा एक भ्रूण होता है, जो एक दूसरे से एल्यूरोन परत के द्वारा पृथक रहते हैं। भ्रूणपोष का रंग सफेद, पीला या नारंगी होता है, मतलब द एंडोस्पर्म इन द मेज प्लांट या द एंडोस्पर्म ऑफ द मेज प्लांट इज वाइट, येलो और ऑरेंज कलर्ड। एंड दानों में, मक्के के दानों में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा 76% होती है, मतलब द ग्रेन्स और द कर्नल ऑफ द मेज कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट 76%, प्रोटीन्स 4.7% टू 11.4%। मक्के के दानों में जो प्रोटीन पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, और प्रोटीन की मात्रा 4.7 से 11.4% होती है, और वसा की मात्रा, फैट्स की मात्रा 1 से 3.5% तक होती है, तथा अल्प मात्रा में विटामिन्स, खनिज लवण भी उपस्थित रहते हैं। तो अपन अब देखेंगे काइंड्स ऑफ मेज, मक्का के प्रकार। तो मक्का की विभिन्न किस्में हैं, जिन्हें भ्रूणपोष की प्रकृति, दाने की आकारिकी तथा दानों पर भूसे की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर 7 समूह प्रकारों में विभक्त किया गया है। इन सभी किस्मों में सामान्य गुणसूत्र संख्या 20 होती है। एक बार बेटा रिकॉर्डिंग